हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैट ट्रेलर्स फॉर एडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इस मॉडल की। सो इस मॉडल को हमने किस तरह से बनाना है, इसकी ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ दे रखी है। सो सभी डायमेंशंस की हेल्प से हम इस मॉडल को बनाएंगे, ये शाफ्ट को बनाएंगे। शाफ्ट में क्या क्या है आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और जो भी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे, बिकॉज हम रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। जो रिवाइज कर रहे हैं या जो बिल्कुल सीख रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, बिकॉज रेगुलर वीडियोस डालती रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा हर एक वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से कंट्रोल एन कर लेता हूं, पार्ट मॉडलिंग में चले जाते हैं। यहां से हम स्केच मोड ऑन कर लेते हैं और अब इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहले ड्राइंग समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे पास ये जो शाफ्ट है ये 90 डिग्री पे रिवॉल्व हुई है, ये तो समझ आ रहा है कि रिवॉल्व हो रही है ना। रिवॉल्व होने के लिए हमें दो स्केचेस चाहिए, एक तो 54 डाई का सर्कल है, एक 86 डाई का सर्कल है, और जो हमारे पास रिवॉल्व रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 94 का। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, 94 का रेडियस हम किस तरह से अचीव करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल आ गए हैं इस तरह से। इनका जो इनकी डायमेंशन हम यहाँ पे सेट कर लेंगे 86, यहाँ पे हमारे पास है 54, और जो 94 का रेडियस है वो रेडियस क्या है कि हमें कितने डिस्टेंस से उसको रिवॉल्व करना है। ठीक है, सेंटर टू एंड तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 94। यहां से हम सेंटर लाइन से इसको रिवॉल्व करेंगे और सेंटर लाइन से इसकी सेंटर सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हम दे देंगे यहाँ पे 94। यहाँ से ये रिवॉल्व हो जाएगा और उसका रेडियस जो होगा वो 94 ही रहेगा। यहाँ से रिवॉल्व करते हैं हम, देखिए ये ऑटोमेटिक रिवॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम 90 डिग्री तक ही रिवॉल्व करते हैं, क्लियर है, ये चीज हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये प्लेट को बनाएंगे, ये वाली जो प्लेट आ रही है हमारे पास, एक प्लेट आपके पास 25 mm एक्सट्रूड हुई है और एक प्लेट 20 mm एक्सट्रूड हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली प्लेट को बना लेते हैं। तो डायमेंशन दोनों की सेम है, 165 का डाया है हमारे पास, अंदर एक 54 का डाया है हमारे पास, और 8 होल्स जो लगे हुए हैं उनका डाया हमारे पास 16 का है, और ऑन किस सर्कल पे बने हुए हैं, पिच सर्कल डाया 126। पीसीडी का मतलब होता है पिच सर्कल डाया, जिसके ऊपर ये सर्कल्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक फेस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे हम इस तरह से बना लेते हैं, एक सर्कल हमारे पास ये एक सर्कल हो रहेगा इस तरह से। अब सभी के डायमेंशंस ले लेते हैं, इसको हम रखेंगे 165, सेकंड वाला जो सर्कल है वो हमारा है 126, पीसीडी था हमारा, और ये वाला एज इट इज रहेगा बिकॉज अंदर से हमें खाली चाहिए। ठीक है, ये वाला जो सेंटर वाला सर्कल है हमारे पास, इसको हमने कंस्ट्रक्टेड रखना है बिकॉज हमें सिर्फ ओनली सर्कल के लिए ये नीड है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा जिसका डाया हमारे पास है 16, और इसको हम सर्कुलर पैटर्न कर लेंगे। अभी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और देखिए सेंटर पॉइंट ये पिक कर रहे हैं, हम सेंटर पॉइंट यहां से चेंज भी कर सकते हैं, और यहां से आइटम्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। ओके, इसको क्लोज कर देंगे और यहां से आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। अभी कितना एमएम एक्सट्रूड करना है, 25 mm, इस तरह से ये बन जाएगा। नाउ दूसरे फेस पे भी हम सेम इसी तरह से बनाएगा ये प्लेट, तो डायमेंशंस आपको पता ही है। एक हमारे पास ये सर्कल है, एक हमारे पास ये वाला सर्कल है, और एक हमारे पास ये वाला सर्कल है।
ये है हमारे पास 165 एंड ये है हमारे पास 126 और इसको एग्जिट करके हम कंस्ट्रक्टेड बना लेंगे। ओके अगेन यहाँ पे सर्कल 16 का डाया, सर्कुलर पैटर्न, ऑब्जेक्ट सेंटर को चेंज करेंगे, एंटिटीज चेंज करेंगे 8 mm, सॉरी 8 एंटिटीज चेंज करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। सो स्केच एक्सट्रूड और यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 20 की, जो कि इस तरह से दे रखे है। अब 20 के डिस्टेंस से हमारे पास ये वाला जो शाफ्ट आ रही है ये हमें बनानी है। अब ये हमारे पास कहां से दे रखी है, डिस्टेंस दे रखे 165 का। 20 के डाया से हम एक प्लेन लेंगे 165 के डिस्टेंस पे, क्लियर है। इस तरह से हम इस पे स्केच क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास ये तीन सर्कल हैं, जैसे कि आपको यहां पे दे रखे हैं, एक 50 का डाया, एक 20 का डाया और एक 16 का डाया है। तो यहां पे हम ये क्रिएट कर लेंगे, एक 50 का डाया है हमारे पास, एक हमारे पास 20 एंड 16 का है, सो एक 20 का हो जाएगा और एक हो जाएगा 16 का, क्लियर है। अब यहां पे हमारे पास देखिए, यहां से इसके सेंटर से हमारे पास यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 115। तो इसको हम यहां पे क्रिएट कर लेंगे, तो इसको आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक मेरे पास ये डिस्टेंस आ रहा है और यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 115। अगर मैं इसको नॉर्मल करूंगा तो ये देखिए इस तरह से आएगा आपके पास, यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास 115 दे रखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम क्लोज कर देंगे और वन बाय वन इसे एक्सट्रूड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास बाहर वाला जो डाया आ रहा है उसको एक्सट्रूड करेंगे। सिलेक्ट द आउटर डाया अप टू द सरफेस, सरफेस कौन सा आ रहा है, ये वाला। नाउ स्प्लिट करेंगे स्केच को, एक्सट्रूड कट करेंगे। एक्सट्रूड कट कौन सा करना है हमें, देखिए ये 20 वाला जो डाया हमारे पास 24 mm है और 16 वाला जो है वो थ्रू होल है। सो 20 वाले डाया को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास सेकेंड सर्कल है उसको हम 24 mm एक्सट्रूड कट करेंगे। ओके एंड देन अगेन स्केच सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड कट, और जो हमारे पास सबसे छोटा सर्कल है उसको हम थ्रू ऑल करेंगे इस तरह से। ओके इस तरह से आपके पास ये शाफ्ट बन जाएगी। यहां से आप मटेरियल स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपको मटेरियल कौन सा लेके चलना है। हमने जो आपको प्री मॉडल बना वो दिखाया था, उसमें हमने स्टेनलेस स्टील को यूज किया था, तो इस तरह से आप इस मॉडल को बना सकते हैं और मटेरियल वगैरह स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ पे विदाउट एनी प्लेन भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन ले रखा है ना, यहाँ पे ये वाला प्लेन ले रखा है, आप इसको बिना प्लेन के भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको ये चीज बता दी है कि बिना प्लेन के किस तरह से बनेगा। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे जरूर कि बिना प्लेन के आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो ओवर करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।